प्रोग्रामर्स वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग डिजायर। तो इस वीडियो में मैं एक एरर को फिक्स करने वाला हूँ जो कि मेरे प्रोजेक्ट के बिल्ड करते समय आ गया था। एक्चुअली ये बिल्ड टाइम पे नहीं आया था, ये जब मैं अपने प्रोजेक्ट को डिबग कर रहा था अपने सिस्टम पे, अपने डिवाइस पे, एंड्रॉयड डिवाइस पे, तब आया। जैसा कि आप यहाँ पर, मैं इसे रिप्रोड्यूस करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कनेक्ट किया अपना डिवाइस और मैंने रन किया, तो ये कुछ टाइम लेगा और जैसे ही ये रन होगा तो एक रन टाइम पे एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो देखते हैं कि कौन सा एक्सेप्शन है। और आपने ऑलरेडी देख लिया है थंबनेल में और टाइटल में, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक डेवलपर हो, एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हो आप एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से। तो कैसे फिक्स करते हैं इसको देखते हैं। तो ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है, हो जा जल्दी से। हाँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ यार। तो आप देख सकते हैं ये एरर हमने सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर लिया है। अब एरर क्या बोलता है वो देखते हैं। एरर बोलते हैं प्रोग्राम है टाइप ऑलरेडी प्रेजेंट android.arch.core.util.Function। तो चलिए इसमें देखते हैं कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है हमें। तो ये बोल रहा है कि टास्क एग्जीक्यूशन में कुछ तो प्रॉब्लम आया है, और क्या प्रॉब्लम आया है, जो डेक्स फाइल है वो डेक्स मर्जर ढंग से काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल क्या बोल रहा है ये ट्रांसफॉर्म डेक्स आर्काइव विथ एक्सटर्नल लिब्स डेक्स मर्जर फॉर डिबग। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो डेक्स फाइल्स हैं आर्काइव फाइल्स को एक जगह पे बोल सकते हो आप कि कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम कन्फ्लिक्शन कुछ आ रहा है लाइब्रेरीज में। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने फिक्स किया था तो मैंने इसे ऐड किया था। फिलहाल बग को एरर को रिप्रोड्यूस करने के लिए मैंने इसे हटा दिया था। तो ये दो डिपेंडेंसीज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फिक्स कर पाओगे इसे। मैंने स्टैक ओवर फ्लो से ढूंढा था, तो चलिए सिंक करते हैं फिर से। सिंक करने के बाद जैसे सिंक हो जाएगा उसके बाद ये मैं अपने डिवाइस पे आपको रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो एरर आया था वो एरर इस बार नहीं आने वाला है। तो फटाफट हो रहा है अभी, फिर से अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, तो मैं पॉज करने वाला ही हूँ वीडियो को। तो बिल्ड हो चुका है और सिंक हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट, और लाइब्रेरीज भी एडेड हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐप को रन करता हूँ। ऑलरेडी मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, डिवाइस बोले तो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड फिर से रन हो रहा है और इस बार सक्सेसफुली ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो ऐप लॉन्च होगा उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं अपना एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम से। तो अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वायरलेसली अपने सिस्टम से मैं डिस्प्ले में जाता हूँ और वायरलेस डिस्प्ले का यूज़ करता हूँ अभी। और ये हो गया कनेक्ट, तो कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो कैसे कनेक्ट करते हैं ये अपने डिवाइस को अपने सिस्टम से, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। फिलहाल कितना टाइम और लगने वाला है ये मुझे पता नहीं है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ इसे, और यहाँ से ये करता हूँ, इसको छोटू बनाता हूँ। तो यहाँ आप देख पाओगे इंस्टॉल हो रहा है APK। यहाँ देख सकते हो आप इंस्टॉल हो रहा है और लॉन्चिंग एक्टिविटी, और ये लॉन्च हो चुका हमारा एप्लीकेशन। तो एरर हमारा दूर हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
See you in the next one.